तो हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा इस रिज़ॉर्ट में हम पहुंच गए थे। यहाँ पर नक्श अपना मस्ती कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, और अब हम करेंगे अपना पूल पार्टी। पूल में जाएंगे, इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हुई है। रोमांटिक हो गई हूँ मैं आज। यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूल में घुसने के लिए, मतलब पहुँचे थे जस्ट। मैंने कपड़े अपड़े चेंज करे हैं, और खाने का टाइम वैसे अभी थोड़ा देर थी, तो हमने सोचा 1-1.5 घंटे हम ना पूल में इंजॉय करते हैं। कितना है ना नक्श, तो नक्श पता है पहले वाले स्विमिंग पूल में नक्श आराम से ना वो डुबकी उबकी मार रहा था, है ना। और इस वाले में ना क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा सा गहरा है, तो नक्श ना ट्यूब के सहारे से नहा रहा है। तो नक्श कह रहा मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इसको करनी है बस बैठ के रहो। इसको करना है, क्या करना है? स्विमिंग करनी है इसको। स्विमिंग 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 फुल एंजॉय फुल एंजॉय फुल एंजॉय फुल एंजॉय और 1.5 से 2 घंटे पूल में नहाने के बाद मन ही नहीं कर रहा था निकलने का, लेकिन ये भैया लोग बोल रहे थे कि मैम लंच का टाइम हो गया है, और फिर मन हो रहा था कि चलो गर्मा गर्म ही खाना खा लेते हैं। तो काफ़ी यमी और काफ़ी टेस्टी खाना था, मज़ा ही आ गया खा के। और पूल में आने के बाद तो फिर हो जाता ना, थकान हो जाती है, भूख तो बहुत ज़्यादा लगी रही थी। और यहाँ पे मैंने सबको सर्व करके दे रही थी, नक्श को और अरब के डैडी को मैंने भी अपनी थाली में डाला, और जल्दी जल्दी खा लिया। और पता है नहाने के बाद ना आके तो भूख खाने को देख के और ज़्यादा भूख लग गई। और सबसे फेवरेट है कि दाल चावल मिल गए, रोटी सब्जी मिल गई, और क्या चाहिए। और प्लस इतना टेस्टी वाला यम्मी वाला रायता मिल गया, और क्या चाहिए यार पहाड़ों में। और एक हाउस वाइफ के लिए तो ये रहता है यार, खुद बना के खुद खाती है, लेकिन जब बना बनाया मिलता है तो और ही मज़ा आ जाता है। कभी कभी ना लाइफ में खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी, कब क्या हो जाए किसी का कुछ नहीं पता। अच्छा करने की कोशिश करो, बाकी आपको कोई समझता है नहीं समझता वो अलग बात है। बस लाइफ में ना खुश रहो यार, क्योंकि दुखी रहोगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा, खुश रहोगे तो बस अपने आप को कम से कम देख तो पाओगे ना। तो फ्रेंड, खाना खाने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, और ये अपना एंजॉय कर रहे हैं बाप बेटा। यहाँ से लेती, थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है। और यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके से है। मैं तो यही बोलूंगी अपने हस्बैंड जी के लिए, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी पति देव जी। एंड आप लोग, और खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ हसीन वादियों में इसके मजे लेने के लिए। रूम में क्या टाइम वेस्ट करें, तो बहुत ही प्यारा व्यू था, मेरी रील्स भी काफ़ी अच्छी बन गई यहाँ पर, मस्त लग रहा था। एकदम बैक साइड में था ये, बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। पिक्स वगैरह क्लिक करवाए, रील्स बनाई, और कुछ व्लॉग के लिए भी शूट कर लिया, तो ऐसा लग रहा था कि हम कहीं बाहर आ गए हैं। बहुत सुंदर जगह थी। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ पानी में पैर डाल के, अच्छा लगता है ना। कौन कौन करता है जब पहाड़ों में ये जाता है, तो मैं तो ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर हम माँ बेटा पानी के मतलब मज़े ले रहे थे, बैठे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सेल्फी वगैरह ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, तो मज़ा ही आ रहा था। आरव नहीं आया था, नक्श आया था, आरव गया था अपनी बुआ वगैरह के साथ घूमने। तो घूम के फिर के अब हम आ गए हैं रूम पर, और ये देखो स्ट्रगल की स्ट्रगल चल रहा है। इसको हट तो जा। और जब हम घूम कर आए, उसके बाद हमने रूम में 2-4 बातें की, हम लोग बैठ रहे थे और कह रहे थे कि यार कितना अच्छा रिजॉर्ट है, रूम्स वगैरह कितने अच्छे हैं। तो फिर स्नैक्स टाइम हो गया था, फिर मैं आई थी तो मैंने दिखाया कि यार कितना प्यारा है ना, बहुत ही सुंदर है। तो चलो अब नाश्ता वगैरह कर लेते। तो यहाँ पे आरव के डैडी, नक्श और मतलब ये बैठे हुए थे, आरव तो आया नहीं था, आरव ही आता है, आरव के डैडी ही निकलता है मुँह से। गर्मा गर्म पकौड़े और चाय, और वो भी पहाड़ों के बीचों बीच बैठ कर। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी फूल देके और गिफ्ट यही है।
और ये है नाइट का व्यू, कितना सुंदर लग रहा है ना। डीजे चल रहा था, मेरी एनिवर्सरी तो बेस्ट एनिवर्सरी रही, इतना डांस करा है, इतनी मस्ती करी है, बहुत मजा आया। और यहाँ हम पति पत्नी ने पूरा धमाल मचा दिया, हर कोई अपने में ही मस्त था, किसी को किसी से कोई वो नहीं था। लेकिन हाँ, ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि एक दो लोगों को पता लगा कि हमारी एनिवर्सरी है, तो उन्होंने विश किया आकर। और कुछ कुछ क्लिप्स मेरे से ना डिलीट भी हो गई हैं, मतलब मिक्स मैचअप हो गया था तो डिलीट हो गई हैं। बाकी यहाँ पे दिखा रही हूँ, अब हो गया था डिनर टाइम, हम लोग करेंगे डिनर। और रात का नज़ारा इतना ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। सबसे अच्छी बात इस रिज़ॉर्ट की मुझे ये लगी कि इनका खाना बहुत टेस्टी था, कई वैरायटियां थी और खाना बहुत टेस्टी था। और आपको हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन मिलेगी, मतलब मन करेगा कि अगर आप एक दिन के लिए ना कि दो दिन रुक जाएं, ये चीज़ें। तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम खीर से। चलो तो फिर ये बताओ, आज हमारी एनिवर्सरी कैसी रही? बढ़िया। नहीं मतलब 12 सालों में ये एनिवर्सरी सबसे अच्छी रही ना? कैसी रही जल्दी बताओ। मस्त रही एकदम। और गिफ्ट मेरा, यही गिफ्ट ही है। ये गिफ्ट ही है ना भाई, अगर इतने का मुझे गिफ्ट देते, ये गिफ्ट ही है। पहाड़ों में लाके एनिवर्सरी मनाना, बहुत अच्छे तरीके से मनाना, मे भी शायद घर पर भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं मन पाती मेरी एनिवर्सरी। और यहाँ पर डीजे, पूल पार्टी, सब चीज़ें मस्त एकदम। तो मैं इसी के, तो अब हम बिस्तर में आके लेट गए। नक्ष, गुड नाइट करो सबको। गुड नाइट फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। और अगेन पतिदेव को हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती करी। ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे और मिलती हूँ कल सुबह अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ठीक है, बाय।